हाँ जी, तो बाइक लवर्स क्या हाल चाल है सबके। तो दोस्तों, मेरे पास आ चुका है ये डब्बा, और ये डब्बे में है अपने KTM 390 के लिए एग्जॉस्ट। ठीक है, फर्स्ट टाइम मैं एग्जॉस्ट एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ। मैंने कभी आज तक एग्जॉस्ट आफ्टर मार्केट एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो अभी इस डब्बे को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं क्या निकलता है बीच में से, और उस एग्जॉस्ट को जो है हम आज इंस्टॉल करेंगे अपनी बाइक पे। चलिए अनबॉक्स करते हैं पहले। अपना मटेरियल, अपना एग्जॉस्ट, दैट इज़ मोटोविंग्स टाइटस, और ये इस तरीके का कुछ नज़र आता है, आप बी रोल में देख सकते हैं। तो गाइस, कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो एग्जॉस्ट है 2.1 BHP तक पावर गेन करवाता है बाइक को, और 2 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है वो बढ़ाता है बाइक का एज़ पर कंपनी फिगर्स, एंड दैट इज़ करेक्टेड टॉर्क एंड पावर ऑन द व्हील। ठीक है जी, और बाकी लो एंड को भी ये इम्प्रूव करता है, वो हम बाद में टेस्ट करेंगे। गाइस, फिट एंड फिनिश की बात कर लेते हैं। फिट एंड फिनिश आप देख सकते हैं, ब्रश्ड स्टील फिनिश्ड है, और देख सकते हैं फास्टनर्स जो हैं बहुत अच्छे से लगे हुए हैं। फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, ऐसे कोई शार्प एज निकला हुआ नहीं नज़र आ रहा। आप देख सकते हैं कि बेंड पाइप के लिए भी एक कवर जो है प्रोवाइड करा गया, और इसके साथ जो है जुबली क्लिप लगाए गए हैं, और यहाँ पे भी एक जुबली क्लिप है टाइट करने के लिए जब ये हमारे रेजोनेटर पे लगेगा। और ये जो है हमारा फुटरेस्ट वाली जगह पे लगता है, और अंदर की तरफ देख लेते हैं इसका डीवी किलर। ये रहा जी डीवी किलर इसका, और ये कांच का टेबल है यार, डर बड़ा लगता है नीचे रखते हुए, रख दिया। चलिए, ये रहा इसका एलन बोल्ट, और ये पूरा का पूरा जो है डीवी किलर है इसके अंदर। और फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में आया था, पैकेजिंग ये रही। फिटिंग अरेंजमेंट जो है कोई भी प्रोवाइड नहीं करे गए हैं, सिर्फ स्टॉक नट बोल्ट की जगह पे जो है ये लग जाएगा, यही एक स्टॉक नट बोल्ट यूज़ होने वाला है। उसके अलावा आगे की तरफ ये जुबली क्लिप दे रखा है, बस आपको ये टाइट करना है एंड इट इज़ गुड टू गो। रिव्यू मैं इस वीडियो से अगली वीडियो में लेके आऊँगा, आज की वीडियो में हम बस इसको इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने का तरीका देखेंगे, और देखते हैं अपना स्टॉक वाला कैसे बाहर आता है। चलिए इंस्टॉल करते हैं। गाइस, एक बार आपको मैं इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर बता देता हूँ जनरल। ये जो है नट बोल्ट स्टॉक वाला, ये खुलेगा, और यहाँ पे अंदर की तरफ है एक हमारा, यहाँ पे आप देख पाएंगे, और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो नट है ये लूज़ होगा, और ये जो पूरा का पूरा एग्जॉस्ट है ये बाहर आ जाएगा। फाइनली अपना एग्जॉस्ट जो बाहर हो गया, आप देख सकते हैं इस तरीके का अंदर ये जो है पाइप नज़र आता है। अब हम इसके ऊपर फिट करेंगे अपना मोटोविंग्स टाइटस। गाइस, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, ये एक रबर गैस्केट है सीलन टाइप, और ये ऐसे जैसे टूट रही है ना आप देख रहे हैं टुकड़ों में, ये स्टॉक जो एग्जॉस्ट है उसके साथ कंपेटेबल होती है। आपको इसको उतारना पड़ेगा,
बिफोर इंस्टॉलेशन ऑफ मोटोविंग स्टेटस। तो मैं भी अभी इसको छील दूंगा सारा और उसके बाद एग्जॉस्ट जो है इंस्टॉल करूंगा। तो गाइस फाइनली जो है मैंने ये गैस्केट छील ली थी और इस तरीके का कुछ सामान निकला अंदर से, लोहे की जाली भी है इसके ऊपर। तो अगर आप स्टॉक एग्जॉस्ट वापस लगाना चाहते हैं तो आपको ये जाली KTM से दोबारा से ख़रीदनी पड़ेगी। और अभी जो है ये इस तरीके का साफ हो गया, अभी मैं इसके ऊपर एग्जॉस्ट लगा दूंगा। चलिए लगाते हैं जी। तो गाइस फाइनली हमारा एग्जॉस्ट जो है फिट हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं कितनी क्लीन फिटिंग आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और एकदम बढ़िया दिख रहा है। आप भी कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है अभी बाइक, क्योंकि अभी एग्जॉस्ट का साइज़ स्टॉक से तो बिल्कुल छोटा हो गया, बिल्कुल मिनी कैन है ये। और अभी मैं इसको आइडलिंग के लिए छोड़ूंगा। आई थिंक इसको 4 से 5 मिनट्स की जो है आइडलिंग चाहिए होती है ECU को एयर फ्लो सेटल डाउन करने के लिए, क्योंकि इसमें जो है BMC एयर फिल्टर भी डला हुआ है। तो एयर फ्लो जो है अभी कैलिब्रेट होगा और उसके बाद ECU जो है अपना काम करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स फायर अप एंड वेट फॉर द आइडल। हाँ जी, तो गाइस कैसा लगा आपको साउंड कंपैरिजन, कैसा लगा ये एग्जॉस्ट? पूरा रिव्यू नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपको ये एग्जॉस्ट कहाँ से ख़रीदना है और आपको डिस्काउंट कैसे मिल सकता है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगले सैटरडे वीडियो आने वाली है, इस एग्जॉस्ट का पूरा रिव्यू उसी वीडियो में आएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। दिस इज़ दमन प्रीत सिंह साइनिंग आउट विद मोटोविंग्स टाइटस एग्जॉस्ट। Bye-bye.